हेलो दोस्तों, सूरज कंप्यूटर्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एचपी प्रिंटर के बारे में। एचपी 419 का जो इंक टैंक प्रिंटर होता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी हमें आज हमारे पास में जो एक प्रिंटर आया है एचपी 419, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसमें सारी लाइट ब्लिंक करती है और पेपर जो है पिक नहीं कर पा रहा है। तो अगर आपको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपके प्रिंटर में आती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा आपको भी और आपके जितने फ्रेंड्स हैं और रिलेटिव हैं उनको भी फ़ायदा हो। एचपी प्रिंटर में जो ये प्रॉब्लम आती है, ये आती है स्कैनर केबल की वजह से। अगर आपके स्कैनर की केबल सही से नहीं लगी हुई होगी तो ये इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। तो अब हम दिखाते हैं कि हम कैसे इसकी स्कैनर की जो केबल है उसको फिक्स करते हैं और उसको अच्छे से लगाते हैं। तो अभी हम दिखाएंगे कि हमारे जो टेक्नीशियन है मिस्टर राकेश कुमार, वो इस प्रिंटर की जो स्कैनर केबल है वो उसको ठीक करेंगे और उसको अच्छे से लगाएंगे। लगाने के बाद में अब हम देखते हैं कि हमारा प्रिंटर किस तरह से काम करता है और अब हम कमांड देकर देखेंगे कि ये प्रिंटर ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। केबल को चेंज करने के बाद में अब हम देख पा रहे हैं कि अभी ये जो प्रिंटर है इसकी केबल को दोबारा से कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्ट करने के बाद हम देखेंगे कि ये प्रिंटर ठीक से काम करेगा या नहीं करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राकेश जी जो है उसकी केबल को दोबारा से हटा कर लगा रहे हैं और उसके बाद हम इसको देखेंगे कि प्रिंट उसका ठीक से आ रहा है, लाइट फिर दोबारा से ब्लिंक कर दिया है नहीं कर दिया। अगर लाइट ब्लिंक नहीं करेगी तो समझो कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। हम एक बार ऊपर रख कर चेक करते हैं, कनेक्ट कर रहे हैं इसको, यूएसबी केबल इसकी लगा रहे हैं। लगाने के बाद देखेंगे लैपटॉप से कनेक्ट करने के बाद कि इसके प्रिंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि इससे पहले इसमें प्रिंट नहीं आ रहा था। आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्नीशियन है वो इसको चेक कर रहे हैं। अब इस पर 1 की लाइट जली हुई है, 1 का मतलब है कि प्रिंटर रेडी है। और हमने जो इसका केबल को हटाकर स्कैनर केबल को जो लगाया था उसकी वजह से ये प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है और अब इसमें सारी लाइट भी ब्लिंक नहीं कर रही है। अभी देखना है कि ठीक से काम करेगा मेरी प्रिंट का और प्रिंट का मॉडल भी है। प्रिंटर रेडी है, ये इंक टैंक का वाईफाई प्रिंटर होता है। एचपी 419 प्रिंटर ये बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है और हमारे पास में ये रिपेयर होने के लिए बहुत आता है। लगभग हम तक 1000 से भी ज़्यादा ये प्रिंटर रिपेयर कर चुके हैं, तो हमारा बहुत ही अच्छा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है इस तरह के प्रिंटर रिपेयर करने के लिए। अब हम देखते हैं कि प्रिंट आउट कैसा आएगा। देने के बाद में प्रिंट आउट अभी आ रहा है, पेपर जाम का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। और अभी हमारा बंदा जो है एक बार फोटो कॉपी भी देकर देख लेगा, जिससे कि पूरा कंफर्म हो जाएगा कि ये प्रिंटर ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अभी हम उनको बोलते हैं कि एक बार एक फ़ोटो कॉपी अवश्य निकाल के दिखाएँ। फ़ोटो कॉपी के लिए लगा दिया है, देखते हैं कि फ़ोटो कॉपी उसकी ठीक से आती है या नहीं आती है। देखते हैं कि फोटो कॉपी कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। और ये देखिए आप मस्त तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से फोटो कॉपी का और क्वालिटी भी आप देख सकते हैं इस प्रिंटर की, कितनी मस्त तरीके से क्वालिटी आ रही है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से बिना किसी परेशानी के आप इस प्रिंटर को, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि सबको फायदा हो। थैंक यू।